सबसे मजबूत है जी, ये हमारे आईकैट अप्रूव्ड थ्रोटल्स हैं। अच्छा, आईकैट अप्रूव्ड भी है? हाँ जी हाँ जी, आईकैट अप्रूव्ड है। अच्छा, आप देखिए, ठीक है, दो बंदे हैं, प्रॉपर झूल रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं वेदर की सीट यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए आप कंट्रोलर्स की क्वालिटी, वायरिंग आप चेक कर सकते हैं। 999 का जो है हमारे पास में कंट्रोलर्स है, जैसे ये 1500 वॉट का कंट्रोलर था, उसके साथ में मोटर कौन सी लगा के देंगे? उसके साथ व्हील मोटर लगेगी, 1500 की मोटर, 1500 का कंट्रोलर। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। जो पार्ट्स हैं ई रिक्शा के, साथी रिक्शा के जो हैं दिखाने वाले हैं, और साथ में हमारे मुकेश शर्मा जी हैं, इनका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर थैंक यू जी। सर ना कुछ पार्ट्स के बारे में हम जो है जानना चाहते हैं। ये हमारी स्टेपनी कवर होती है सर। अच्छा, ये है स्टेपनी कवर आपका? कवर होती है। अच्छा अच्छा, ये टूटता नहीं है ना? टूटता नहीं है, काफी मजबूत होता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए हर कोई लगा के भी नहीं देता इसको। अच्छा, ये केवल हमारे यहीं लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हर कोई लगा के नहीं देता है। और ये मेट्रो होते हैं, हैवी वाले होते हैं। अच्छा जी अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये मेट्रो हैंडल बोलते हैं। मेट्रो हैंडल, अंदर बैठते हैं सीट के, पकड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको मेट्रो हैंडल बोलते हैं। जी जी जी। और आगे कुछ ये भी चीजें हैं? ये भी सर, ये हमारा जो है एलआई व्हील कवर होता है, जो एलआई व्हील लगती है। अच्छा, एलआई व्हील के पास भी लग जाता है? हाँ जी, ये उसके कवर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और नॉर्मल व्हील जो होता है ये उसके उसके उसमें लगते हैं। अच्छा, मतलब सिंपल में कोई अगर एलॉय ना ले तो वो इनको लगा करके काम चला लेगा? हाँ जी, इसकी चमक देखिए। जी जी, जेन्युइन चीज है। अच्छा, कौन सी कंपनी है सर? मिंडा सर। जी जी जी, तो ये चीजें हैं भाई। आगे और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये हम कन्वर्टर लगाते हैं, ये अच्छा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर्स। हाँ जी, 999 1500 का। ये मोटर होती नहीं सर, ये मैच करता है, इसके अंदर ये 1500 वाट की कंट्रोलर होता है। ये 1500 वाट का है? ये 1500 वाट का है। तो गाइज मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर 1500 वाट का कंट्रोलर है, और कंट्रोलर की क्वालिटी आप चेक कर लीजिए एक बार, पास में आ जाइए। और यहाँ पर देखिए आप कंट्रोलर की क्वालिटी, वायरिंग आप चेक कर सकते हैं। 999 का जो है हमारे पास में कंट्रोलर्स है, बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, वायरिंग प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। जेन्युइन होती है सर? जी जेन्युइन होती है भाई, शर्मा जी ने कह दिया तो जेन्युइन है। और आगे की चीजें और आ जाती और है सर? आगे जी, आराम से सर, आराम से आराम से आराम से। और मोटर बता दीजिए सर, मोटर कौन कौन सी है सर? ये सीवाई का होता है, वो 999 का था। अच्छा जी, सीवाई गोल्ड की है? सीवाई गोल्ड का है सर। अच्छा जी, सीवाई गोल्ड की ही मोटर। मोटर्स कौन कौन सी लगा देते हैं? सीवाई गोल्ड लगाते हैं। अच्छा, 999 लगाते हैं। अच्छा, उसी लगाते हैं। कितने वोट की मोटर्स हैं? 1100 की भी है, 1500 की भी लगाते हैं। अच्छा, जैसे 1500 की भी लगाते हैं। जैसे ये 1500 वॉट का कंट्रोलर था, उसके साथ में मोटर कौन सी लगा के देंगे? उसके साथ व्हील मोटर लगेगी, 1500 की मोटर, 1500 का कंट्रोलर। सेम 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 सेम, दोनों चीज सेम ही मिलेगी। तो गाइस यही चीज होती है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो यही है कि भाई जो सेम मोटर है सेम ही कंट्रोलर होना चाहिए, बाकी और कोई चीज नहीं है। और ये सर आपकी जो है केबिल लाइट होती है? जी जी जी, केबिल लाइट से दिखा देते हैं भाई, जो कि आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी की जो है यहाँ पर जो है केबिल लाइट मिलने वाली है। ये यहाँ से आप इसको जो है आप ये पीछे जो नेम प्लेट होती है, अच्छा, ये उसकी लाइट होती है। अच्छा जी अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं भाई। ये जी सर, ये थ्रोटल होते हैं, थ्रोटल देख लीजिए भाई, थ्रोटल देख लीजिए। और जब कभी आप इस जो साथी कंपनी है, साथी कंपनी में जब विजिट करें ना, तो ये वाला प्रोडक्ट एक बार देखना जरूर, ठीक है। मुकेश सर जी हैं, इनसे जरूर मिलना एक बार, ये आपको प्रॉपर ब्रीफ करेंगे। साथ में हमारे प्रेमी सर जी हैं, मैं एक बार बुलाऊंगा, पीछे ही हैं, आ जाओ, आ जाइए सर। और सर जी से हमारे मिलिए, मेरे से जो है काफ़ी उम्र में ज़्यादा हैं, इनको जो है अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको सारी चीज़ें सही से जो है बताएंगे। मैं ये बता रहा था कि जो थ्रोटल हैं सिवाय गोल्ड के काफ़ी भारी हैं, क्यों सर जी? सबसे मजबूत है जी, ये हमारे आईकैट अप्रूव्ड थ्रोटल्स हैं। आईकैट अप्रूव्ड भी है? हाँ जी हाँ जी, आईकैट अप्रूव्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ, तो इनकी क्वालिटी पे कभी कोई डाउट और कोई शक नहीं हो सकता। जी 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 जी, ये बात आपने ये एफएम सिस्टम है, ये भी हमारा डबल आईसी में है, और बहुत भरपूर, बहुत अच्छी शानदार आवाज देता है। डबल आईसी में है? डबल आईसी में। तो गाइस डलकेट का है, और डलकेट के म्यूजिक सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो है ना मेटल में मिलता है, क्यों सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेटल में मिलता है। प्लास्टिक में नहीं लगाते, मेटल में लगाते, मेटल में आता है। तो ये चीजें काफी बढ़िया है। और चीजें दिखाइए सर, आ जाइए। स्पीकर के बारे में बात कर लीजिए सर। ये हमारे स्पीकर्स जी, जो एक बढ़िया साउंड, बढ़िया वूफर, बढ़िया साउंड के साथ आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इस तो तरीके से जो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये देख सकते हैं आप, ये जो है आपको आप देख सकते हैं गाइज, जो कि ये जो है स्पीकर हैं, ये लगाए जाते हैं जिनकी बेहतरीन आवाज़ है। कि अब जो एक रिक्शा है बेहतरीन कलर में आई हुई है, ये मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो सर चलिए एक बार रिक्शा देख लेते हैं। चलिए आए, ये देख सकते हैं अकेला बंदा है भाई, खींच भी नहीं पा रहा जल्दी से। तो भाई ये है एक नया मॉडल साथी कंपनी का, जो कि भाई देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन कलर ऑप्शन में है,
और अभी तक मैंने जो आपको दिखाया था वो स्टील स्टार था, यहाँ पर MS है और MS में ये टॉप वेरिएंट है इनका, और जिसका जो लुक और डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। और मैंने जो पार्ट्स की वीडियो थी वो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके के जो पार्ट्स हैं वो बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो पार्ट्स हैं काफ़ी हैवी जो हैं पार्ट्स लगाए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें हिला करके काफ़ी कंपनी के ई रिक्शा देखा होगा, यहाँ से आप साइड से देखिए उसको तो ये प्रॉपर जो है हिलने लगता है। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। मैं कलर ऑप्शन की बात कर रहा तो भाई स्काई ब्लू कलर जो है ये मिलने वाला है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लेदर की सीट यहाँ पर मिलने वाली है जो कि जल्दी से नहीं बैठेंगी। दूसरी चीज़ ये है पीछे की सीट जो है काफ़ी वाइडर है, काफ़ी रिक्शाओं में छोटी सीट मिल जाती है लेकिन यहाँ पर काफ़ी वाइडर सीट जो है मिलने वाली है। चार बैटरी का जो है ऑप्शन मिलने वाला है जो कि 90 से 100 किलोमीटर बड़े ही आसानी से जो है चल जाता है। साइड में आप देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है ना ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अब इस ई रिक्शा में जो MS का टॉप वेरिएंट है और इसी में जो है आपको डलगेट का म्यूजिक सिस्टम प्रॉपर लगा करके दिया जा रहा है। केबिन की जो लाइट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिजिटल मीटर मिलने वाला है और साथ ही साथ मिंडा के लॉक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिवाय गोल्ड के जो थ्रोटल हैं वो मिल जाएंगे आपको। LR स्विच देखेंगे तो वो आपको मिंडा के स्विच की वायर भी इसमें यूज की गई है। बाकी अपने अनुसार जो है आप जो है इसमें कोई भी किसी भी कंपनी की मोटर थ्रोटल भी लगवा सकते हैं, अदर कंपनी भी इनके पास में उपलब्ध है। लेकिन कंपनी क्या काम करती है, कंपनी काम करी है बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बेहतरीन चीज़ों को देने के लिए। जैसे कि चेचेस आप देख रहे हैं, चेचेस में डबल चेसेस इसका जो है मिलने वाला है, यह आप देख सकते हैं गाइस। डबल चेसेस में सारी रिक्शाएँ आपको डबल में ही मिलने वाली है, सिंगल का कोई सवाल ही नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये है आप कितनी भी सवारी कितना भी लोड भर लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे से दिखाऊं तो SS का यूज किया गया है, ठीक है, यानी कि MS है बट जहाँ पर SS का यूज करना है कंपनी ने प्रॉपर किया है। अगर कंपनी चाहती तो कॉस्ट कटिंग भी कर सकती थी बट कंपनी ने मेरे हिसाब से ये काम जो है काफ़ी बढ़िया किया है। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो जब हम पीछे बैठते हैं तो पीछे जो है SS का यूज यहाँ पर किया गया है, आप प्रॉपर देख सकते हैं जो कि यह है, और लोगो भी इसमें दिया गया है। ऊपर जो है ये आप देखिए बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें दी गई हैं। छत ये देखिए आप देख सकते हैं छत की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की जो छत है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हैंडल हैं जिसको पकड़ करके आप बैठ सकते हैं आसानी से, जो कि काफ़ी मजबूत दिए गए हैं। कर्टेंस आपको प्रॉपर जो है जो साइड्स हैं उनसे आप बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ना बैक में ये देखिए साथी का दिया गया है, और यहाँ पर जो है लेदर का जो है वो प्रॉपर इन्होंने यूज किया गया है, यानी कि फोम की जो क्वालिटी होती है ना गाइज तो वो बेहतरीन दी है। शेप ना बिगड़े इसीलिए जो है फोम ऐसी यूज की है ताकि जो है सालों साल आपकी सीट चले और जो ई रिक्शा है सालों साल आपके पास जो है यूँ ही काम करता रहे। अब ऐसे ही आप देखेंगे तो टायर्स पर जो है व्हील कवर दिए गए हैं, 375 के टायर्स हैं, और जो चक्का है वो आप देख सकते हैं कितना मजबूत है। C8 के टायर्स हैं जो कि भाई काफ़ी अच्छी गारंटी वारंटी के साथ में जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर मिल जा रही है जो कि आप देख सकते हैं ये, और ऊपर भी जो रूफ़ रेल्स हैं वो जो है भाई स्टील का प्रोवाइड किया गया है जो कि आप देख सकते हैं भाई। अब पीछे देखेंगे स्टमनी के ऊपर कवरिंग जो मैंने आपको दिखाई है वो कवरिंग जो है यहाँ पर यूज की गई है, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज एक बंदे को मैंने खड़ा कर दिया है और मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये खड़े हो गए हैं। अब मैं एक बंदे को और लाऊंगा और यहाँ पर आपको खड़ा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से भाई अभी ये देखिए ये खड़े हो गए हैं ये यहाँ पर, ठीक है, और भाई प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है ये देखिए, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि आखिरकार बिल्ड क्वालिटी कैसी है, नहीं तो आवाज़ें आती हैं भाई। अगर किसी और रिक्शा में देखेंगे तो आवाज़ें आती हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ जो है मेरे ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। डिज़ाइन यहाँ पर अभी आप देखेंगे प्रॉपर, इसको अभी रेडी करने में और भी कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो कि अभी प्रॉपर रेडी नहीं है, और भी कुछ चीज़ें इसमें जो है रेडी की जाएंगी। अब भाई सोकर की जो टेस्टिंग है वो करवा देते हैं, ये आप देखिए, ठीक है, दो बंदे हैं प्रॉपर झूल रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं भाई शोकर जो हैं, और शोकर के आसपास में देखिए, ठीक है, आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल भी, ये आप देख सकते हैं भाई आवाज़ ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बिल्ड क्वालिटी कंपनी काफ़ी अच्छा दे रही है। परचेज़ करने के लिए जो मैंने आपको जो है नंबर दिए हैं डिस्प्ले पर आप कॉल कर सकते हैं, सिंगल रिक्शा खरीदना चाहे सिंगल खरीद सकते हैं, और अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो डीलरशिप के लिए काफ़ी सस्ते रेट में काफ़ी सस्ते प्राइस में जो है आपको ये ई रिक्शाएँ जो है उपलब्ध होने वाली हैं। और कर्टेंस भी हम खोल करके दिखा देते हैं आपको,
कि अगर सर्दियों का जैसे समय चल रहा है तो उसमें भाई कर्टेंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और बारिश में ऐसा होना चाहिए कि कर्टेंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गाइस वाटरप्रूफ है और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। बीच में यहाँ पर जो है जिप जो है यहाँ पर दी गई है, ये आप देख सकते हैं, जिप भी आप देख सकते हैं, और इस तरीके से इसको ना प्रॉपर आप कवरिंग कर सकते हैं। बरसात में आपने देखा होगा कि बरसात में ज़्यादा समस्या आती है, तो बरसात के हिसाब से भी ये ऐसा है। तो मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, एक बार दूर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर कवरिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं, और कुछ इस टाइप से रहने वाले हैं, और सवारी जो है आसानी से आराम से जो है बैठ सकती हैं। तो क्वालिटी जो है आपको मैंने दिखाई दी, ये एक बार और दिखा देता हूँ, जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के जो कर्टेंस हैं वो मिलने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।